नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जयपुर के राजस्थान में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर मंगलवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहां सचिवालय के पास प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के पास एक जनसभा के बाद सचिवालय की ओर मार्च शुरू किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें स्टैचू सर्किल पर रोक लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी मीणा समेत अन्य नेताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के धरने के बाद वहां भ्रष्टाचार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जोशी और अन्य नेताओं को पुलिस बस में बैठा कर ले गई। इससे पहले जोशी ने कहा कि आंदोलन कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ है, सरकार ने युवाओं को ठगा है और उनके सपनों को लूटा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। इस मार्च व प्रदर्शन में जयपुर शहर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं बगरू विधानसभा से एडवोकेट कांता सोनवाल ने मीडिया से बात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का नेता राजेंद्र राठौर जी, हमारे प्रभारी वो कांग्रेस सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार, बिजली बिलों में बढ़ोतरी और अन्य जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में जन महाघेराव भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसके माध्यम से राहत दिलाने वाला जो भ्रष्टाचारी सरकार है, बजट में अपने वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि बिजली बिलों बिजली के जो तक फ्री दी जाएगी, लेकिन आज तक अभी मेरे फ्यूल सरचार्ज में 800 रुपए का फ्यूल सरचार्ज है, वो ये जो बर्बाद बचा रखा है, इस सरकार ने लूट बचा रखी है, उसके विरोध में आज ये जन आक्रोश जन घेराव। अगर आज जो हमारा उसके माध्यम से सरकार को घेरा जाएगा, इसके माध्यम में बाद में रणनीति बनाकर आगे भी इस प्रकार का बड़ा एक जन घेराव कार्यक्रम और आक्रोश रैली सरकार के विरुद्ध करेंगे। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ।